बच्चों आपका स्वागत है एपीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक है। किसी भी टेंस को अनुवाद करने के लिए हमने बताया आपको दो चीज़ों की प्रमुख आवश्यकता होती है। पहली चीज़ तो उसकी पहचान और दूसरी चीज़ है उसकी क्रिया और सहायक क्रिया, क्रिया में परिवर्तन क्या होना है और सहायक क्रिया। अगर यही दो चीज़ आप जानकारी रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो कोई भी ट्रांसलेशन है आप बहुत अच्छे से उसको अनुवादित कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आप लोगों को हर वीडियोस में एक अनोखी अनोखी चीज़ बताऊंगा जो आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा, ठीक है। कि ट्रांसलेशन में आप ट्रांसलेशन भी नहीं पाओगे। अभी जैसा मैंने आपको हैज़ टू हैव टू का प्रयोग बताया और डू टू डस टू का प्रयोग कराया, ठीक है, आप वैसे जनरली आप ट्रांसलेशन ढूंढने लगोगे नहीं पाओगे, ठीक। तो वैसे आज आप लोगों को मैं टॉपिक है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया किसी भी टेंस की पहचान आपको जानना बहुत जरूरी रहता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का मतलब है, प्रेजेंट है तो है होना चाहिए और कंटीन्यूअस है तो रहा रहे। लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या हो गई कि वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे सब आते हैं, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। मैंने दो चीज़ों के बारे में बताया कि आपको दो चीज़ें विशेष तौर से जानकारी रखना है। पहली चीज़ हेल्पिंग वर्ब और क्रिया में परिवर्तन, दो चीज़। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, इज एन आर। पहली प्रेजेंट के सिंपल में मैंने आपको इज एम आर के यूज़ के बारे में बताया। अगर है लिखा है तो वहाँ इज लगेगा, अगर हूँ लिखा है, चंद्रबिंदी लगी है तो आयम लगे लिखा जाएगा, उसके लिए सहायक क्रिया यूज होगा। और है लिख के अगर बिंदी लगी है तो है अगर जहाँ लिखा है आखिरी में तो उसकी अंग्रेजी आर होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ है वर्ब, वर्ब में क्या लगाएंगे, क्रिया में हमको आई एन जी जोड़ना। तो बच्चों देखिए आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अपर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे राम स्कूल जा रहा है, ठीक है। तो सूत्र तो आपको मैंने लिख ही दिया है, आप लोग जान ही रहे हैं। तो हमको सबसे पहले क्या है लिखना भाई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, राम, राम हो गया। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो राम कोई नाम है, नाम के साथ में क्या लगाएंगे, राम स्कूल जा रहा है, ठीक। जब मैंने बताया हाय लिखा हो बिंदी ना लगा हो, ठीक, तो क्या लगाएंगे उसकी अंग्रेजी क्या होगी, इज होगी, क्या होगी, इज। तो राम इज, ठीक, ये सहायक क्रिया होगी। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, वर्ब लगता है, वर्ब क्या है, जाना, जाने की अंग्रेजी है गो। हमने बताया कि वर्ब में आई एन जी लगेगा तो आप आई एन जी लगा दो, राम इज गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, ठीक। अब इसी का निगेटिव क्या हो जाएगा, राम स्कूल नहीं जा रहा है, क्या, राम स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव में क्या करते हैं, निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, बस निगेटिव हो जाएगा, ठीक। राम, ठीक, इज हेल्पिंग वर्ब साथ नॉट जोड़ दो, राम इज नॉट गोइंग टू, देखिए राम अंग्रेजी राम लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, हेल्पिंग वर्ब का नाट लगाया, क्रिया है जाना, जाने की अंग्रेजी गो, कह रहा है क्रिया में आई एन जी जोड़ दो, मैंने रूल से बताया है आई एन जी जोड़ दिया, कहाँ जाना है, स्कूल, कितनी आसानी से आपका अंदाज हो गया। अब आपका आता है तीसरा, जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले रहता है,
क्या राम स्कूल जा रहा? ठीक, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। तो क्या जब पहले रहता है तो हमने बताया है, आप लोगों को पहले वीडियो में बताया है, ठीक है। जब क्वेश्चन वर्ड पहले आता है इससे अंग्रेजी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? कर्ता के अनुसार से सहायक क्रिया लिखते हैं। तो राम करता है, राम के साथ में एक वचन है इज लगेगा, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे? इज, ठीक है। पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। इज राम, ठीक, कर्ता हो गया। अब क्रिया क्या है? गो, विभूमि आई एन जी जोड़ देगी, गोइंग हो गया। इज राम गोइंग टू स्कूल? क्या राम स्कूल जा रहा है? इसका ट्रांसलेशन हो गया आराम से, है ना। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या रहेगा? प्रश्न आएगा और उसके साथ प्रश्न के साथ नहीं यूज होगा, ठीक है। जैसे राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? क्या राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? क्वेश्चन मार्क। देखिए बच्चों, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, क्या जी? प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी आप पहले लिखें, ठीक। अब क्योंकि अंग्रेजी क्या होगी? वाई। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी के बाद सहायक क्रिया लिखेंगे। अब राम के साथ क्या लगेगा? इज, ठीक। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? कर्ता लिखेंगे, राम है कर्ता, वाई इज राम, ठीक। निगेटिव है, ठीक, क्या लगा देंगे? नॉट, वाई इज राम नॉट। अब क्या लिखेंगे? क्रिया लिखेंगे, क्रिया क्या है? जाना, जाने की अंग्रेजी क्या हुआ? गो। हमने बताया वर्ब में आई एन जी लगाओ, आई एन जी लग गया। तो वाई इज राम नॉट गोइंग, अब हमारा कर्म बचा है, ठीक, गोइंग टू स्कूल। आखिरी में क्वेश्चन, ठीक। अब इन सब लोगों का अगर आप सूत्र, मैंने आपको लिख दिया है, सूत्र याद रखेंगे, सूत्र पर हर एक कर्ता क्रियाक्रम को लिख देंगे, आपका ट्रांसलेशन बहुत अच्छा होगा बच्चों। और इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में और प्रकार की बात होते हैं, जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। अब ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ वर्षा मौसम से संबंधित कोई चीज होती है तो वहां पर इट का प्रयोग होता है, इट इज, ठीक, साइक्लिया लगा दिया, ठीक। रेन मैंने वर्षा होती है, आई एन जी जो, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? सहायक क्रिया के साथ में नॉट लगा दो, इट इज नॉट रेनिंग। क्या वर्षा हो रही है? इज पहले लिख दो, इज इट, क्या वर्षा हो रही है, ठीक। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कोई भी वाक्य हो, ठीक है, बहुत आसान से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चे, आप लोगों को एक चीज में बता रहा हूँ, जहाँ बच्चे अपने के लिए जो है गड़बड़ी कर देते हैं, तो अपने के लिए के क्या यूज करेंगे? जैसे आई के साथ अपने के लिए माई लगाएंगे, बी के साथ अपने के लिए आवर लगाएंगे, यू के साथ अपने के लिए योर लगाएंगे, यू के साथ योर का प्रयोग, दे के साथ देयर का प्रयोग, ही के साथ हिज का प्रयोग और सी के साथ हर का प्रयोग। ये चीज याद रखेंगे
तो कोई भी ट्रांसलेशन हो उसमें अपने के लिए गलती नहीं है। जैसे मैं अपने भाई को पढ़ा रहा हूँ है तो आई एम टीचिंग माई ब्रदर, मैं अपने भाई को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं कहते जी आई अब साइकिल लिखेंगे आई या ठीक पढ़ा रहा हूँ, टीच क्रिया में आई एम टी जोड़ देंगे टीचिंग हो जाएगा, आई एम टीचिंग मैं पढ़ा रहा हूँ किसको अपने भाई, आई एम टीचिंग आई के साथ मैंने बताया अपने के लिए माई लगाएंगे ना, आई के साथ माई आई एम टीचिंग माई आया समझे बच्चों, थैंक यू।